गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज चलिए आगे का पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रैक्टर बैलगाड़ियाँ अनाज की बोरियाँ और सब्जियाँ लादकर शहर की मंडी में ले जा रहे थे। एक जगह तेल निकालने की मशीन से सरसों और मूंगफली के दानों से तेल निकाला जा रहा था। एक मैदान में हाट लगी थी। हाट माने होता है बाजार। हाट में गांव के स्त्री पुरुष बच्चे तरह तरह की चीजें खरीद रहे थे। काव्या और उसकी मित्र मंडली ने हाट से अपनी अपनी पसंद के मिट्टी के खिलौने खरीदे। हाट मैदान से खेत दिखाई दे रहे थे। अब सच बच्चे खेतों पर पहुंचे। खेतों में तरह तरह की फसलें और सब्जियां लगी थी। खेत किनारे आम के पेड़ पर आम लगे थे। नाना जी ने एक किसान से कहकर सब बच्चों को पेड़ के पके मीठे मीठे आम खिलवाए। एक खेत में आलू उगे हुए थे। नाना जी ने आलू का पौधा उखाड़ कर बच्चों को दिखाया। पौधों की जड़ों में आलू लगे थे। बच्चों को पता चल गया कि आलू भी मूंगफली की तरह जड़ों में लगते हैं। विहान टमाटर के पौधों से टमाटर तोड़कर खाने लगा। विहान एक बच्चे का नाम था। फिर सब बच्चों ने टमाटर खाए, मूलियां भी उखाड़ कर खाई। पास में गन्ने का खेत भी था। वहां गन्ने का रस निकाला जा रहा था। एक कड़ाही में रस उबालकर गुड़ भी बनाया जा रहा था। सब बच्चों ने थोड़ा थोड़ा गरम गरम गुड़ चखकर देखा। बच्चों को गुड़ बहुत स्वादिष्ट लगा। यानी उन बच्चों के लिए सब नई चीजें लग रही थी, इसलिए सब बहुत ही रुचि से सब देख रहे थे और जो भी स्वाद से भरपूर थी वो सब खा रहे थे। एक खेत में कुछ स्त्रियां काम करते हुए लोक गीत गुनगुना रही थी। गीत सुनने में बच्चों को बहुत आनंद आ रहा था। काफी समय हो चुका था। नाना जी ने बच्चों से घर वापस चलने को कहा। सभी घर की ओर चल दिए। घर आए तो खाना तैयार था। नानी ने घर के पिछवाड़े में बच्चों के लिए चारपाई बिछाई दी। वहां से दूर दूर तक गांव की सुंदरता दिखाई दे रही थी। सांझ हो आई थी। सांझ मतलब होता है शाम, संध्या। आसमान में सूरज की लाली छाई थी। उड़ते पक्षी नाचते मुंह और पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लगता था जैसे सामने कोई सुंदर पेंटिंग बनी हो। बच्चे गांव की इस सुंदरता को देखते रह गए। मंद मंद शीतल हवा और फूलों की महक ने बच्चों का मन आनंद से भर दिया। मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। नानी ने खाने के लिए तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें बना रखी थी। गर्मा गर्म पूरियां, कचौड़ियां, बेसन की पकौड़ियां, कच्चे आम की चटनी, आलू मटर टमाटर की चटपटी सब्जी बच्चों ने खूब चटकारे से ले लेकर खाई। नरम नरम मीठे गुलगुले रचिता और सजल को बहुत पसंद आए। नानी ने मेवों की खीर भी बनाई थी। बच्चे मजे मजे से खाते जा रहे थे, प्रेम पूर्वक खाते जा रहे थे। मजे मजे का अर्थ होता है और प्रकृति का आनंद भी ले रहे थे। स्वाद स्वाद में बच्चों ने खूब खाया। नानी ने भी उन्हें बड़े लाड़ से खिलाया। खा पीकर काव्या के पापा ने वापस चलने को कहा। बच्चों का मन तो नहीं था, पर अगले दिन स्कूल ही तो जाना था, इसलिए सबने नाना नानी से विदा ली। नाना नानी की आंखें नम हो गई। सब बच्चे उन्हें प्रणाम कर जीप में वापस चल दिए। रास्ते भर सब बच्चे यही गाते रहे, नाना के घर मजे मजे, नाना के घर मजे मजे। तो नाना के का घर उन लोगों को, चाहे गांव की का वातावरण उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसलिए गांव और शहर में बहुत ही अंतर है। तो आप लोग एंजॉय करिए और पढ़ाई के साथ साथ करिए। धन्यवाद।